नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के छठ घाट का नगर परिषद की चेयरमैन सेम्पी गुप्ता और कई पार्षदों ने जायजा लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चेयरमैन के साथ कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार भी मौजूद हैं और कई पार्षद मौजूद हैं और जिन लोगों ने सिवान के छठ घाटों का जायजा लिया। दरअसल आपको बता दें कि इसी 19 नवम्बर को शाम में और 20 नवंबर को सुबह में जो छठ व्रती हैं वो घाट पर जाएंगे और 19 तारीख को शाम में डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दे करके और त्यौहार को संपन्न कराया जाएगा और ठीक 20 तारीख की सुबह में उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दे करके और इस महापर्व को संपन्न कराया जाएगा। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि सेम्पी गुप्ता जो कि सिवान नगर परिषद की चेयरमैन है, तमाम कई वार्ड पार्षदों को लेकर के सिवान के छठ घाट का निरीक्षण की और इनके साथ अमित कुमार पार्षद, पार्षद पति अर्जुन गुप्ता, उर्मिला कुमारी पार्षद और भी बहुत सारे लोग, अमित कुमार जो पार्षद पुत्र हैं, बहुत सारे लोग मौजूद रहे और जीवन यादव जो समाज सेवी हैं उनके भाई चंदन कुमार यादव ये भी मौजूद थे और सभी लोगों ने मिलकर के छठ घाट का निरीक्षण किया। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में कैसे घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। पार्षद पुत्र बादल ब्याहुत भी मौजूद हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और छठ घाट का जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फुलुआ घाट और शिवव्रत सा छठ घाट की है जहां पर साफ सफाई भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है बिहार के लिए और इसी को लेकर के सिवान के घाटों पर साफ सफाई की जा रही है कि कहां कहां दिक्कत है, किस तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए और इसी को लेकर के जो सिवान नगर परिषद की चेयरमैन है सेम्पी गुप्ता तमाम पार्षदों को लेकर पहुँची हुई थी। सोनू सिंह भी मौजूद हैं वहाँ पर जो पार्षद पुत्र हैं, ये तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आइए सुनते हैं कि घाटों के निरीक्षण के बाद से इन्होंने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए रिशु और आतिफ के साथ चंदन कुमार सिवान। जब कचरा वगैरह सब, तो क्या कहना चाहिए गाइस सब पहले? साफ पहले से हो रहा है, जो भी था इसके पहले निकलवाया गया और जो भी है सफाई अब हो रहा है, पहले से काम लगा है और इतना ना ज़्यादा गंदगी है कि इसको हटाने में समय लगेगा और जब गंदगी साफ हो रहा है फिर ऊपर से लोग फेंक रहा है, उसको तो समय लगेगा ही साफ करने में, क्योंकि एक बार साफ हो चुका है फिर कोई दोबारा फेंकेगा उसको तो टाइम लगेगा साफ करने जी। में दीपावली का सब कोई कचरा अब इसमें फेंक रहा है, अब सब भी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी सभी लोग लगे हुए हैं, उसको सफाई कर रहे हैं अच्छा से और नगर परिषद से जो भी है जितना भी है हम लोग कर रहे हैं इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ध्यान दिया जा रहा है, साफ सफाई अच्छा से रहे, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मैम ये कितने दिन कब तक चलेगा, कब खत्म हो जाएगा ये? जब गंदगी हट जाएगा तो सब सफाई अच्छा से हो जाएगा। तो कितने दिनों तक? दो चार गंदगी हटेगा इसी के बाद कहा जाएगा छठ से पहले बिल्कुल हो जाएगा। सिवान वासियों क्या कहना चाहिएगा? सिवान वासियों को छठ पूजा के लिए सबसे पहले हार्दिक बधाई देते हैं और सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है और यही मैंने कहते हैं कि छठ पूजा है जो लोक आस्था का पर्व है, महापर्व है, छठ मैया सबके जीवन में अच्छा सा अच्छा रखे, सभी को अच्छा रखे, खुश रखे, बस यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं सभी लोग अच्छे से रहे, खुश रहे, बस यही दुआ करते हैं। ठीक है, हम छठ के और मैं यही कहना चाहूँगी कि सफाई अभियान चालू है, सफाई अभियान चालू है और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई अच्छे तरह से कराया जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी है और जितना सफाई हो रहा उतने गंदगी फैल रहा, मतलब फिर से डाल रहे हैं, तो उसका ध्यान दिया जा रहा है। छठ से बिफोर मतलब ये काम हो जाएगा, अच्छे से सफाई हो जाएगा। फिर आप सिवान वासियों का कहिएगा। मैं सिवान वासियों को यही कहना चाहूँगी कि यह खुशी और हर्षोल्लास का पर्व है, पूरे धूमधाम से सभी को मनाएं और मतलब सिवान में कोई तरह का किसी मतलब क्या उसको सिवान में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो किसी से, इसलिए सब कोई मिलजुल करके मनाए।
सब कोई मिलजुल करके पर्व मनाए और एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि सब कोई मतलब जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो सब कोई सहयोग करके मिलजुल करके करें, ताकि मतलब ये बाहर भी लोग देखते हैं, विदेश में भी देखते हैं, देश में तो देश में विदेश में भी लोग देखते हैं इसको, तो इससे एक मैसेज जाता है कि हम लोग कितने मिलजुल करके रहते हैं समाज में, है ना। और बिहार से ही ये पर्व उत्पन्न हुआ है और ये मतलब विदेश तक पहुंचा है, तो इसको और हम लोग को अच्छे से मनाना चाहिए खुशियों से। बस यही कहना चाहूंगी आपके चैनल, धन्यवाद। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप लाल पैलेस स्टेशन रोड सिवान, मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान, मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।